कि अंतरिम बजट में सरकार कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने को लेकर एक अहम ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कैपिटल गेन स्ट्रक्चर के नए सिरे से रिव्यू करने को लेकर कमेटी भी गठित की जा सकती है। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल के साथ हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, क्या चल रहा है सरकार के स्तर पर और कैपिटल गेन टैक्स में क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे सकता है अंतरिम बजट में? बिल्कुल, देखिए कैपिटल गेन टैक्स के मौजूदा स्ट्रक्चर के को सिंप्लीफाई करने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सरकार अंतरिम बजट में इसे लेकर एक अहम ऐलान कर सकती है। दरअसल इसे लेकर एक कमेटी का गठन किया जा सकता है जो कि पूरे कैपिटल गेन टैक्स के स्ट्रक्चर को रिव्यू करेगा, इसके सिंप्लीफिकेशन, इसके कंप्लायंस को बढ़ाने और साथ ही साथ जो लिटिगेशन है उसको घटाने को लेकर ये कमेटी सरकार को सिफारिश दे सकती है। दरअसल मौजूदा जो कैपिटल गेन टैक्स का स्ट्रक्चर है उसमें कई सारे अहम फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये पूरा टैक्स स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। दरअसल इसमें जो क्लासिफिकेशन है, जो कैपिटल असेट्स का क्लासिफिकेशन है, विथ होल्डिंग पीरियड है, अलग अलग कैपिटल असेट्स पर अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर हैं, इन सब की वजह से काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया है। लिहाजा सरकार चाहती है कि इसको लेकर एक सिंप्लीफाइड अप्रोच लाया जाए और डायरेक्ट टैक्स में एक अहम बदलाव किया जाए ताकि जो इससे जुड़े हुए एक जो कॉम्प्लिकेशन है, साथ ही साथ जो लिटिगेशन है, कंप्लायंस भी बढ़ाया जाए ताकि टैक्स कलेक्शन में भी आसानी हो और साथ ही साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लायंस को लेकर आगे आए। दरअसल बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मार्केट में इस वक्त निवेश कर रहे हैं, उसे लेकर सरकार ये ऐलान कर सकती है कि जब अगली बार जब फुल फ्लेज्ड बजट आएगा उसमें इस अहम बदलावों को अमली जामा पहनाया जा सकता है। जी शुक्रिया आलोक। तो कैपिटल गेन टैक्स जो है उसके स्ट्रक्चर में एक बड़े बदलाव की तैयारी, वो कुछ हद तक हमें दिखाई देगा, शायद अंतरिम बजट में एक झलक उसकी दिखाई दे और जब फुल बजट आएगा तो हो सकता है कि उसमें और कॉन्क्रीट लेवल पर चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। बहरहाल इंतज़ार करना होगा बजट तक।